हेलो, वेलकम पार्सल। तो कैसे है यार, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान दिख रही होगी, क्योंकि रीज़न ये है कि सेम वीडियो रिकॉर्ड किया था, कैमरे में रिकॉर्ड हो गया लेकिन टैब पे रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, और कोई भी चीज़ जब दोबारा करते हैं तो एनर्जी पहले के कंपेयर में डबल होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पहली बार किया है, पहली बार इतना मार्क्स आना था, पहली बार अगर तुम छोटी मोटी कॉलेज पहुंच सकते थे तो इस बार तुम्हारे पास चांस है अच्छे कॉलेज पहुंचने के। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है, आज बेसिकली वो वीडियो नहीं है कि हम अच्छे कॉलेज में कैसे पहुंचे। आज का बेसिकली वीडियो ये है कि क्या एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो सकते हैं। हो सकते हैं। दूसरा, सवाल अलग अलग हैं, जवाब सिर्फ एक होगा। दूसरा, तुम्हारा वीडियो क्या है कि भैया किसी के तीन, किसी के चार, किसी के पांच ड्रॉप होते हैं, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते, फिर भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। चलो भैया मैंने ड्रॉप ले लिया, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी में आके ड्रॉप ले लिया, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा यार। सबसे बड़ा लॉजिक, सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है सेलेक्ट ना होने का। कॉन्सिस्टेंसी हमारी बेकार हो जाती है, टूट जाती है, यही रीज़न होता है। तो अब क्या देखते हैं कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें। उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इजिएस्ट भी क्या है। स्पेलिंग में भी गलत हो सकती है मेरी जिस्ट की, उससे बैठा नहीं करता। जिस्ट वे क्या है, क्या है सेलेक्ट होने का। एक लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ डाउट कि भैया मेरा तो लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, इस बार हो पाएगा क्या। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके 600 के करीब नंबर है, मैं कैसे 300 से, 400 से, 500 से या 600 से उस टारगेट पे पहुंच पाऊंगा, उस जर्नी पे पहुंच पाऊंगा जहां पे लोग ऑलरेडी, जिन्हें 10 नंबर चाहिए, मुझे भी वहीं जाना है, उन्हें भी वहीं जाना है। यार बेसिकली होता क्या है ना, हम कुछ गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स, जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता। पहला तो सबसे बड़ा है कंसिस्टेंसी। दूसरा, पढ़ाई तो करते हैं बट रॉन्ग मेथड। यार मुझे पता है मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजी है, तुमने बहुत बड़े बड़े लोगों की स्ट्रेटजी देख रखी है जो ऑलरेडी एम्स में पढ़ते हैं, एम्स दिल्ली में पढ़ते हैं, तो ये भी तो एक स्ट्रेटजी ही है। इसमें तुम्हें ऐसा क्या अलग मिलने वाला है। यार देख, मैं एवरेज बंदा हूँ, मेरे साथ क्या है, मैं गाँव से यूपी बोर्ड से पढ़ने वाला बंदा, 2017 में इंटर पास हुआ, कुछ भी नहीं आता था यार, क्लास 12th में कौन कौन से चैप्टर ने साला ये भी नहीं पता था। इसके बाद धीरे धीरे लड़ लड़ के फाइट किया और आज जाके सेलेक्ट हुआ लास्ट ईयर ही। और फिजिक्स में मेरे 175 मार्क्स थे। मुझे फिजिक्स का स्टार्टिंग में मुझे 2 नंबर भी आया था, तो वो भी तुक्का, अगल बगल की चीटिंग से। चीटिंग कैसे होती है वो बात बताऊंगा। तो मैं एवरेज बंदा था यार, तो एवरेज बंदे सिलेक्शन कैसे पा सकते हैं आज उसका देखेंगे। तो यार मेरे अकॉर्डिंग जो बायो है, केमिस्ट्री है, तो सबसे टफ होती है फिजिक्स, ऐसा लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को, मुझे भी लगता है, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। तो यार अगर बायो इजी है तो 350 नंबर ला सकते हैं क्या। केमिस्ट्री अगर थोड़ी सी टफ है तो 150-160 नंबर ला सकते हैं क्या। हाँ भैया ला सकते हो यार। अब तुम ये बताओ मुझे तुरंत कि सिलेक्शन के लिए मार्क्स कितने चाहिए। अप्रॉक्स 620, 620 से ज़्यादा तो नहीं चाहिए ना। तो अब अगर इन दोनों को सम अप कर दो तो ये दोनों मिला के ही कितने हो गए, एक सेकेंड, इन दोनों को मिला के ही तुम्हारा 510, मोटा माटी 500 से 510। अब फिजिक्स में तुम्हें कितना चाहिए, 110 से लेके 120, 130 नंबर, जो कि लाना
बहुत ज़्यादा ऐसी है। अब फिजिक्स में 110 नंबर लाने के लिए अप्रॉक्स जो तुम्हारा है, क्या है तुम्हारा, कुछ इजी सर्टिफाइड चैप्टर्स हैं जिनको मैं बाद में कवर कर दूंगा। ठीक, अब बताओ भैया बायो में कैसे लाऊंगा। बायो में नहीं जानता, तुम मर जाओ कैसे भी करो, क्या करो, वो करो, ये करो, जो भी करो, जिससे पढ़ना उससे पढ़ो, NCERT तुम्हारे टिप पे होनी चाहिए। आज का जो ट्रेंड है, अगर तुम NCERT सही से कर ले रहे हो ना, तुम ऑलरेडी, अगर तुम्हें एक एक वर्ड याद है, तुम्हें 340 प्लस मार्क्स स्कोर करने में कोई भी रोक नहीं सकता। अब उसके लिए मैंने क्या तुम्हारे लिए तुम्हें दिया है, NCERT फिल इन द ब्लैंक्स ट्रिक्स दे रखी है, ढेर सारे ट्रिक्स, हर चैप्टर के ट्रिक। डायग्राम्स दे रखे हैं ढेर सारे, और भी बहुत सारी चीजें दे रखी है। अब ये तुम्हें समरी करके मैंने बायोलॉजी रैपिड रिवीजन चैप्टर के नाम से टेलीग्राम पे डाल रखा है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डली पड़ी ऑलरेडी। उसके बाद यार बेसिकली बायो के तो सबको पता होता है, बस मेहनत करना होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, शॉर्ट नोट्स क्या है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में तीन पार्ट्स यार, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तुम कहोगे भैया ये कौन सी बात बता रहे हो, मुझे भी पता है यार, मुझे पता है, तुम्हें पता है आजकल का जो ट्रेंड है 50 नंबर का यहाँ से आ जा रहा है। ओके, और इन दोनों को मिला के 150 मार्क्स का। अरे भैया पेपर तो 180 का होता है, तुम 200 कैसे बता रहे हो। यार मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन ऑप्शनल आते हैं उन्हें कवर करके तुम करोगे तो वो ना जो तुम्हें आते हैं। तो अब क्या यार सीन है, अब सीन है यार कि जो तुम्हारी इनऑर्गेनिक है प्लस ऑर्गेनिक है, ये तुम्हारी बायो जैसी है, इन द सेंस ऑफ, मतलब यहाँ से भी वही क्वेश्चन आते हैं जो NCERT में दे रखा है। NCERT ओके, काम ओके, ठीक है। तो अब NCERT कैसे याद करनी है भैया, कोई NCERT पढ़ाता नहीं मुझे, तो NCERT समझ में भी नहीं आती, बताओ मुझे कैसे करना चाहिए। तो यार मैंने NCERT पढ़ाने शुरू कर दिया चैप्टर वाइज चैप्टर। सेम इसमें तुम्हें मिलेगा क्या, NCERT की हर लाइन से सवाल, साथ में कवर कर रहे हैं JEE नीट आल PYQ। अब इसके बाद तुम पढ़ने के बाद तुम्हें बना लेना है शॉर्ट नोट्स। इसी शॉर्ट नोट्स को पूरे ईयर में रिवाइज कर रहा है, पूरे ईयर में 15 से 20 बार। अब तुम 15 से 20 बार सेम चीज़ का रिवाइज कर लेते हो इनऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का, भाई कहाँ से तेरे 150 में से 130 नंबर नहीं आएंगे। और कि जो बाकी का बचा 30 से 40 नंबर का, इसमें भी से तेरे 20 नंबर आ ही जाएंगे। अब अगर तुम अगर 150 नंबर यहाँ से ला ले रहे हो, 150, 160 मोटा माटी जैसे भी, 350 नंबर बायो से ला ले रहे हो यार, तो 500 नंबर ऐसे हो गया। अब दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ सिलेक्शन, इजिएस्ट वे ऑफ सिलेक्शन, कि तुम रटने वाले जो पार्ट हैं, रट्टा प्लस फिजिक्स प्लस फिजिकल, रटने वाले तुम्हारे बायो इनऑर्गेनिक हो गए, तो यहाँ से तुमने कितना स्कोर कर दिया, 480, फिजिक्स में 110, 130 और यहाँ फिजिकल से भी 30 से 35 नंबर में मार लेता हूँ मोटा मोटा। तो ये टोटल कितना हो गया,
625 30, अब कैलकुलेशन मत करना, मैंने ऐसे ओवरऑल मार दिया है। और 630 नंबर पे तुम्हें कोई ड्रीम कॉलेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कॉलेज तो मिल ही जाएगा। तो अब सवाल है कि करना क्या है। करना है NCERT, एक एक लाइन चबा जाना है भाई, खा जाना है, पी जाना है, ठीक। तो अब NCERT रीडिंग शुरू करते हैं केमिस्ट्री में, ओके। उसके बाद धीरे धीरे करते रहेंगे, आज ही सब कुछ नहीं जानना है। तो अब फिजिक्स में सवाल आता है कि वो 100 नंबर कैसे आएंगे। तो यूनिट डायमेंशन 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए थे, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, दोनों की शॉर्ट ट्रिक डाल के रखी है। जेई एडवांस का क्वेश्चन हो चाहे नीट का क्वेश्चन हो, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक लगाने से एक स्टेप पे आंसर आ जा रहा है। आगे प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, एनएलएम तो कठिन है भैया, तो ठीक है पुली वाला कर लेना, लिफ्ट मैन कर लेना, फार्मूला बेस्ड, रॉकेट, मार्वल्स वाला नहीं, फिजिक्स वाला, वर्क पावर एनर्जी, बेसिक बेसिक, ओके, मोमेंटम, कंजर्वेशन, कोलिजन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 5 1 6 1 7 2 9, 9 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। डाइपोल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिला के 1 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, 10 क्वेश्चन हो गए यहाँ तक, 10 क्वेश्चन, पूरी मॉडर्न 10 से 12 क्वेश्चन, ओके। अब तुम्हारा ग्रेविटेशन पूरा करना है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हमें दोनों पार्ट लेना है। व्यू, भैया व्यू मौसम तो बहुत कठिन है यार, उसकी बात ही मत करो। तो यार वहाँ पे डॉपलर ऐसी है, तो डॉपलर कर लो जाके, ओके। डॉपलर के बाद थोड़ा सा SGM में वेलोसिटी वाला पार्ट, वेव वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन यहाँ से नहीं पढ़ सकते ऑलरेडी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट में थोड़ा सा मैग्नेटिज्म वाला पार्ट जो थ्योरेट कर लें, और थोड़ा डायरेक्शन वगैरह से करके 1 2 क्वेश्चन निपाड़ सकते हैं आराम से। तो 2 1 3 1 4 2 6 6 10 16, 16 10 26, 26 12 28 से तुम्हारा 30 सवाल। तो 30 सवाल ये, और थोड़ा सा लेफ्ट राइट करके करोगे तो 32 33 सवाल तुम्हारे टारगेट में आएंगे, जहाँ से 120 140 नंबर तुम कवर कर सकते हो। 120 140 नंबर यहाँ, तो दिस इज विल बी द इजिएस्ट वे फॉर सिलेक्शन। यार हमें जाके यहाँ पे ढेर सारी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अब अगर ऐसे कर लेते हैं यार तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अब मैटर करता है कि तुम इस वे के साथ चलते हो या नहीं चलते हो। तो अगर इस वे के साथ चलते हो यार, तो मुझे जाके मैसेज करो, 80 81 36 41 12 पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप, या फिर टेलीग्राम, आकाश सिंह BBS 427। तो यार बेसिकली ऐसे करते हैं, बाकी NCERT की द बेस्ट रीडिंग कैसे हो सकती है इजिएस्ट वे में, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो तुम कमेंट करके बता दो ये सीरीज शुरू कर से करनी है। तो यार बाय बाय, मेहनत करते रहो, सेल्फ डाउट मत करो, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो यार बस मेहनत करते रहो, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, जान लगा दो या फिर जाने दो। बाय बाय, मेहनत करते रहो।